मैं हरल ले जितने भी ये इसी तरह का गाना दो दिन से सुना, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया, मिलता तो मिलता, नहीं मिला तो नहीं मिला, अब क्या आगे की तैयारी करो। तो अब ये हम यहाँ अब आ गए हैं, मतलब कि ना अभी हम प्रोग्राम से थोड़ा सा अपने इस किनारे पर जाने से थोड़ा सा दूर हैं, तो अब बहुत देर हो गई, ओपी नैयर साहब को बुला लेते हैं हमारी महफिल में, और मजरू साहब हैं, प्रसन्न भाई हैं, और ये गाना भी बहुत बेशकीमती गाना है। आइए प्रसन्न भाई, ज़रा लगातार लगातार आपको थोड़ा थकान हो रही होगी लेकिन ठीक है, निभा दो, आज परीक्षा पास हो गए आप। रफ़ी साहब का ये जो गाना आप सुनने वाले हैं, ये सुनते सुनते जब तक वो ज़रा साज मिल रहे हैं तब तक मैं एक दो लाइन पढ़ देता हूँ। मतलब लगता है कभी कभी प्रसन्न भाई की कि रफ़ी साहब की आवाज़ या रफ़ी साहब का गाना वाकई कोई मिस्ट्री है, कोई रहस्य है क्या? तो आप केवल आवाज़ को देखिए, व्यक्ति को नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति है ये जो गाने गा रहा है, आप जो गाएंगे प्रसन्न भाई, इसका आचरण तो बिल्कुल एकदम सामान्य है। गिरी भाई, रफ़ी साहब का आचरण तो बिल्कुल एकदम सामान्य है, औसत है, एक गायक जैसा बिल्कुल भी नहीं है, एक लीजेंड जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो क्या एक एलिमेंट है कि ये आदमी माइक्रोफोन के सामने आता है और बस रेस्ट इज़ द हिस्ट्री, समझ में नहीं आता है ये मिस्ट्री क्या है। बोलने में, व्यवहार में, पहनने में, खाने पीने में, मिलने जुलने में, पार्टीज़ में नहीं जाना, ग्लैमर से दूर रहना, इतना सिंपल। और जब माइक्रोफोन के सामने ये लोग आ जाते थे, क्या डिलीवर कर देते थे, कहाँ से निकालते थे, ये कुछ एक मिस्ट्री है। वाकई मुझे कभी कभी लगता है कि एक रहस्य ही है जो रफ़ी साहब के साथ ही चला गया। ढूंढते रहिए इसको आप, आपको जवाब शायद गानों से मिले तो मिल जाए, वरना इसका जवाब नहीं मिल सकता। कहाँ से एक आदमी बिल्कुल एक ग्रामीण परिदृश्य से निकल कर आता है, एक करियर ढूंढता है, मुंबई में म्यूज़िक डायरेक्टर से मिलता है, कोई उसका कोई गॉडफादर नहीं है, कोई जानने पहचानने वाले नहीं है, गाने लगता है किसी फ़कीर की आवाज़ सुनता है, उसे लगता है कि ऐसा गाया जा सकता है। सहगल साहब गांव में आते हैं, माइक्रोफोन सिस्टम ख़राब हो जाता है, एक बच्चे को खड़ा कर देते, बोले ले तब तक सहगल साहब आ रहे हैं तब तक सुनो इसको, मुन्ने को सुनो, मोहम्मद रफ़ी को सुनने लगते हैं, और क्या मालूम क्या होता है, क्या उसके बाद में दुनिया की सबसे बड़ी आवाज़ वो बन जाता है। एक मिस्ट्री है वाकई, इस पर सोचने की ज़रूरत है। अब प्रसन्न भाई, गाकर इस मिस्ट्री को खोलिए थोड़ा सा।